ऐसा प्लान बनाना कि वर्कशॉप में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है मिसेस मेहरबान। गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ। मुझे क्रिसमस के लिए स्पेशल चीज बनवानी थी हमारे आइडनबास ऑलिव ऑयल से, शायद छोटी बॉटल सही रहेंगी। हाँ अच्छा आइडिया है। मैंने थोड़े डिजाइन देखे हैं, एक बार तुम चेक कर लो। आई होप तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ऑफ कोर्स, हम संभाल लेंगे। तुम्हारे भेजे हुए फ्लावर्स देखकर उस दिन जो भी हुआ था सब कुछ भूल गई मैं। थैंक यू सो मच सुहान। मैंने बुलंद को भी कहा हम लोग को ध्यान रखना होगा कि अब से हम दोनों परिवार मिलजुल कर रहे। तो फिर मैं तुम्हारी ऑफर और प्रोडक्शन शेड्यूल का वेट करूंगी। ठीक है? ठीक है। शाहिदे को मेरा हेलो कहना। क्या आप शाहिदे से मिली नहीं? उसने कहा वो मिलने वाली थी। नहीं, उससे मुलाकात नहीं हुई। शायद वो वॉक पे चली गई होगी। शायद। सी यू। सी यू। गुड मॉर्निंग। हाँ सुहान बोलो। क्या तुम वॉक कर रही हो? हाँ धीरे धीरे वॉक ही कर रही थी। मिसेस मेहरबान ने मुझे बुलाया है, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। ओह अच्छा, ठीक है, उन्हें मेरा हेलो कहना। ठीक है, सी यू। ओके बाय बाय। बाय। उसे जब पता चला वो लड़की आने वाली है, वो पूरे घर में भागा भागा फिर रहा था। वैसे अच्छा हुआ तुम आसानी से कर पाए। हमने वो किया जो तहसीन कोल्लोदाग ने किया था, इसलिए आसान था। ना कोई पेंटिंग चुराई और ना ही किसी को अपनी आंखों के सामने जलाया। कोई बात नहीं पापा, आप इतने मायूस मत हो प्लीज, हम यहाँ पर कुछ और लगा देंगे। Thank you.
मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। कोलुदाग वापस चलो। ठीक है। सीजर, ये बात मत भूलो कि तासिन कोलुदाग वो आदमी है जिसने तुम्हारे पापा, दादा और दादी को मारा था। वो एक हत्यारा है। तुम्हें लगता है कि ये सब मेरे लिए भूलना आसान है? मुझे लगता है कि सुहान के पास होने से तुम अपना मकसद भूल रहे हो। देखो, पहले किसने तुम्हें कमजोर बना दिया है? बकवास। देखो, कुछ भी मत बोलो और गाड़ी में बैठो। ध्यान रखना। मैं होटल जा रही हूँ, फ्रेश होने के बाद सो जाऊंगी। उठ के कॉल करती हूँ। मैंने शायद उसे सब कुछ बताने की गलती कर दी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। बाद में मिलता हूं। क्या चाहिए तुम्हें? चाहिए तासिंग कोलोदाग तो एक दिन मर जाएगा, पर तुम उस बच्चे को बड़ा करोगी जो तुम्हारा नहीं है। मतलब तुम्हें इस झूठ के साथ ही जीना होगा। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मुझे बस सुहान चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों एक दूसरे के बहुत काम आ सकते हैं। सुहान को तुमने खुद ही खो दिया है, यू इडियट। तुम्हें इस औरत पर कितना भरोसा है? मुझसे ज्यादा है क्या? क्या तुम सेफ हो चाहिए थे? अब क्या होगा जब वो तुम्हारे बच्चे को जन्म देगी? वो पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी चाहिदे। क्या तुम उसे संभाल पाओगी? इसीलिए तुम्हें एक पार्टनर की जरूरत है। मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी करूंगा। इसी में हम दोनों की भलाई है। पूरे दिन फिंगरप्रिंट्स ढूंढे, पूछताछ की, ना जाने किन किन चीजों के बारे में क्या क्या पूछते रहे वो। फिर फाइनली चले गए और हमारे वहां से निकलते ही पुलिस का फोन आया कि चीजें मिल गई हैं। सच कह रहे हो? हाँ हाँ, पापा की पेंटिंग्स को छोड़कर। अच्छा, शायद वो लोग उठा नहीं पाए या फिर उन्होंने पुलिस से डर कर फेंक दिया। सुहान, तुम्हें वो घर के पीछे का टेरेन याद है? उन्होंने चीजें वहां फेंक दी थी। इंटरेस्टिंग। सब लोग छुट्टी पर हैं क्या? बड़ी खामोशी है। हाँ, वो लोग सुबह तक आएंगे। चाय दे। तुम इतनी चुप क्यों? कुछ नहीं, बस थोड़ी थक गई हूँ। शायद ज्यादा वॉक कर लिया इसलिए। क्या, तुमने वॉक किया? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम घर से बिल्कुल नहीं निकलोगी। घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी तो थोड़ा सा वॉक कर लिया। पापा बहुत दुखी है ना? उनके पास और कोई फैमिली फोटो नहीं है, बस वही एक थी, तो ऑफ कोर्स दुखी रहेंगे। और वो भी हमें मिल जाएगा। मैं ये बात पापा को भी समझा रहा था। उन्हें लगता है कि वो बहुत कीमती है, पर वो है नहीं। जब चोर उसे बेच नहीं पाएंगे तो वो उसे भी फेंक देंगे और हम उसे ढूंढ लेंगे। हाँ, होप सो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग पेंटिंग लेने ही आए थे। पर उन लोगों को आपकी फैमिली पेंटिंग से क्या मिलेगा? क्या पता। ये तो बस शुरुआत है। गोल के नाम जरूर होंगे।
आखिर ये सब खत्म कब होगा? जिस दिन तहसीन कोलोदाग को उसके गुनाहों की सजा मिल जाएगी उस दिन ये सब खत्म होगा। नहीं मेरा मतलब तुम उसे कब बताने वाले हो कि तुम सीजर अलमदार नहीं बल्कि सीजर करसन नोगलू हो? अभी टाइम है। अगर उसे पता चल गया कि मैं कौन हूं तो वो पहले से ही सावधान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मुझे उसका दिल जीतना है। मतलब मुझे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तहसीन कोलोदाग मुझे सब कुछ अपने हाथों से देगा। उसे तो बर्बाद करके ही रहूंगा मैं। तो उसकी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। उन्हें कैलबैक्स और कोलोकियम ट्रेड दोनों मर्ज हो रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। कब हो रहा है? उसकी अनाउंसमेंट 1 दिसंबर को होगी। मैं लंदन जा रही हूँ और आखिरी कॉन्ट्रैक्ट्स के सारे रिविजन्स करके आऊंगी। तो तुम मुझे कह रही हो कि मुझे तहसीन को स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करना होगा? हाँ तुम सही समझे, लेकिन शायद तुम्हें इसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि उन्हें कैलबैक्स ने अपने इन्वेस्टर्स को इतना खुश नहीं रखा है। अच्छी बात है, उसका शेयर ज्यादा होगा। मैं पहले भी उससे बात करके आया हूँ। कोलोदाग ने तो अपने हाथ भी किसने शुरू कर दिए होंगे। लेकिन ध्यान रखना सीजा, तुम जो भी कर रहे हो उसे होशियारी से करना, ठीक है? ट्रांजैक्शंस में किसी का ध्यान नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मैं भी जेल चली जाऊंगी। तुम टेंशन मत लो, किसी को पता नहीं चलेगा। पर एक बात तो बिल्कुल साफ है, मैं उसे कुछ भी कमाने नहीं दूंगा। कैसे? तुम्हें उसे पैसे कमाने देना होगा क्योंकि तभी ही वो तुम्हें ट्रस्ट करेगा और तुम्हें पैसे देगा। कोलोदाग के हाथ में कुछ भी नहीं लगने वाला है, पर फिर भी वो सबसे ज्यादा भरोसा करेगा मुझ पर। तुम शर्त लगाओगी क्या? मैं तुम्हारे साथ कोई शर्त नहीं लगाऊंगी। अच्छा सुहान का कॉल है। हाँ सुहान बोलो। तुम अभी फ्री हो? अगर नहीं हो तो बाद में कॉल करती हूँ। नहीं नहीं मैं फ्री हूँ, बोलो ना। सीजर के साथ ही हूँ कोलोदाग में। ओह मतलब तुम बात नहीं कर पाओगी। तुम कल सुबह होटल आ जाओ, सीजर जल्दी निकलने वाला है। मैं ब्रेकफास्ट के लिए अकेले होंगी। ठीक है मैं बताती हूँ। ठीक है सुहान, मिलते हैं। ओह सीजर तुम्हें हाय कह रहा है। गुड नाइट। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये तो क्लियर है कि उसके इसके लिए वो गिल्टी फील कर रही है। देखा उसने तो तुमसे बात भी नहीं करनी चाहिए। बानो प्लीज बस करो ना, टॉपिक खत्म करो यार। अरे लेकिन क्यों, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। पता नहीं कल वो मुझसे क्या बात करने वाली है। क्या तुम उससे जितना कम मिलोगी उतना बेहतर होगा? मैं भी तो तुमसे यही कह रही हूँ, लेकिन तुम उसके बिना रह नहीं सकते तो मैं क्या करूँ? अच्छा शर्त लगा लो, जब तक ये सब खत्म होगा तब तक तुम सुहान के प्यार में पड़ चुके होगे। तो लगाना चाहोगे शर्त? नहीं।
कोल्लो डॉग होटल। हेलो, मुझे बानु वरदार, मुझे बानु वरदार से बात करनी है। वो वहीं रह रही है ना? वो फिलहाल तो होटल में नहीं है। कोई मैसेज है उनके लिए? वो सीजर अलमदार के साथ रह रही है ना? मुझे उसके रूम में कुछ भिजवाना था। नहीं, मिस बानू रूम नंबर 108 में रह रही हैं। आपको जो भी भिजवाना है वो रिसेप्शन डेस्क। अंदर आ जाओ। हाँ, आ जाओ। सॉरी सुहान, मुझे आज तुमसे बात करने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। क्या बात है? मैं आज मिसेस मेहरबान से मिलने नहीं गई। क्यों? मैं बुलंद से मिली, उसे मुझसे कुछ बात करनी थी। तुम लोगों ने मेरे बारे में बात की? नहीं, तुम्हारे बारे में नहीं। उसे लगता है कि सीजर अलीमदार ही फसाद की जड़ है। बुलंद भी ना, अपनी प्रॉब्लम्स छोड़ के सबकी प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। सच कहूं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और ये बात मैं उससे पहले भी कर चुकी। तुम दोनों में जो भी कुछ हुआ है मुझे बस जानना है। तुम दोनों अलग हो गए हो ना? सब खत्म हो गया है ना? अभी मुझे जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, यही बात है। मैं समझ सकती हूँ, तुम सही हो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए तुम्हें। आई एग्री। एक्चुअली सीजर भी तुम्हारे लिए परफेक्ट है, काफी अट्रैक्टिव है। अगर तुम कहती कि तुम उससे इम्प्रेस्ड हो तो मैं मान लेती। मैं किसी से भी इम्प्रेस्ड नहीं हूँ, और ये सारी बातें कोरहान को भी बताने की कोई जरूरत नहीं। पागल हो तुम, मैं ऐसा कुछ करूंगी क्या? हाँ, ना तुम्हारा भाई ना पापा उसे पसंद करते हैं, दोनों गुस्सा हो जाएंगे। तुम सही हो, तुम्हें कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सोचना होगा सुहान, क्योंकि सुहान अनफॉर्चुनेटली तुम इन वेल्दी हंटर्स के लिए एक बड़ी शिकार हो। अगर तुम सावधान नहीं रही तो वो लोग शिकार करके तुम्हारा बहुत गलत फायदा उठा लेंगे। एक्चुअली हम सीजर को जानते भी कहाँ हैं? जानते हैं? नहीं ना, बस हाजिर हो जाता है। ऐसा लगता है कि सब सेटअप ही है। अचानक तुम्हारी घोड़ी पागल हो जाती है और तुम्हें बचाता है। घर जल जाता है तो पापा को बचाता है। हमेशा तब हाजिर होता है जब कुछ गलत होता है। हमें कैसे पता कि उसने सब सेटअप नहीं किया? इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। ऑफ कोर्स कोइंसिडेंस हो सकता है, पर जब से वो कोल्लो डॉग आया है तब से कुछ ना कुछ गलत होता आ रहा है। सोचो, मैंने कोरहान से भी कह दिया कि जितना हो सके उससे दूर रहो। थैंक गॉड वो हमसे दूर किसी होटल में शिफ्ट हो गया है। ठीक है सुहान, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। हम बस थोड़ी बातें कर रहे थे। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।